सरकार के कान पर जो नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई? एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई हेलो मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख, तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख, तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जो नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं, दो दो बार दे दिया है। एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को। साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी इस आशय का पत्र दिया। इसके पहले भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह को, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को और प्रमुख सचिव गृह को, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को भी पहले भी पत्र भेज चुका हूं। अभी हाल में जो मैंने पत्र भेजा उसकी प्रति ये साथ आपके संलग्न आपके सामने है। जैसा कि मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भेजा कि ऐसे हत्या करने वाले, सिर काटने के लिए सुपारी देने वाले, जीभ काटने वाले की सुपारी देने के लिए, नाक कान हाथ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सरकार में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा है इस प्रकार की साजिश करने वालों का हौसला बुलंद है। और कल ABP न्यूज के कॉन्क्लेव में भी ऐसे ही चेहरे वहां शामिल थे जिन्होंने मेरा सिर तलवार से कलम करने का कसम खाया था, जिसने मेरा सिर कलम करने के लिए 21 लाख रुपए की सुपारी देने की बात की थी। ऐसे चेहरे भी वहां मौजूद थे। मैं यहां बैठ करके टीवी का कॉन्क्लेव देख रहा था और जो मुझे अवगत हुआ कि यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, फरसा और तलवार लेकर के आपके साथ बसलूकी करते कर सकते हैं, तो मैंने ABP के ऑर्गेनाइजर को कहा कि अगर इनको बाहर नहीं निकाला गया तो मैं नहीं आऊंगा। और नतीजा, बड़े जद्दोजहद के बाद ऑर्गेनाइजर
कि टीम के लोगों उनको बाहर निकाले, बगल एक कमरे में बैठाए और जब मैं आश्वस्त हो गया तो यहां से गया। इस बाबत ट्विटर राजू दास महंत ने डाली थी जिसमें साफ लिखा था स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा, पहले वहां राजू दास को वहां चटाओ तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। ये राजू दास का ट्विटर है। इसके साथ ही साथ इसके पहले यह सिर तन से जुदा धमकी देने वाले अयोध्या के महंत हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सिर काटने के लिए 21 करोड़ से 21 लाख तक का इनाम देने की धमकी दी थी। यह उनका सार्वजनिक बयान है। इसी के साथ ही साथ यह सीतामढ़ी के महंत जिन्होंने सिर काटने के आम देने की घोषणा की, तपस्वी छानी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत परमहंस दास जी, ये उनका है। इसी प्रकार से आचार्य जगतगुरु परमहंस आचार्य ने दी स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी, नहीं सुधरे तो अपने हाथों से काट दूंगा गला। यह सार्वजनिक बयान ऐसे सब धर्म के छद्म वेश में पड़े हुए आतंकवादियों और अपराधियों का यह बयान है जिसको एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहीं पर यह जनसंघ पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने राकेश दीक्षित जी कानपुर, जिन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले को इनाम देगी जनसंघ पार्टी। ये ऐसे लोगों के कुख्यात चेहरे हैं जो धर्म का चादर ओढ़ करके इस तरीके से आतंकवादियों का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं पर एक और इसी प्रकार का बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह काला करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, ये भी कानपुर के ही एक संगठन का है, शास्त्री नगर रामलीला सोसाइटी के एक पदाधिकारी तथा गरीब पदाधिकारी है। ये सभी धार्मिक संगठन से जुड़े हैं। हिंदू महासभा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाली, जीभ काट करके लाने वाले को इनाम का ऐलान। एक एक करके इस तरीके से इतने खतरनाक हत्या, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के बयान देने के बावजूद भी सरकार चुप है, यानी सरकार की मौन स्वीकृति मिली हुई है। इसीलिए ताज जैसे होटल में, जो बहुत ही लखनऊ का मशहूर होटल है, वहां पर मेरे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव में कार्यक्रम हो चुका था, उसके बाद मेरा कार्यक्रम था। जब मैं वहां पहुंचा सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लौटते वक्त एक इंस्पेक्टर संभवतः एक अधिकारी बैठे मिले दिखाई पड़े थे। और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी युवा के महामंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान काटने वाले को 5 लाख का इनाम। यह एक एक करके आज जिस तरीके से बयानों की झड़ी लगी है उसको देखते हुए हम केवल इतना कहना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार का इनको संरक्षण नहीं मिला है, तो सरकार इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई नहीं किया है तो इसका मतलब है
मेरी हत्या की साजिश में भाजपा सरकार शामिल है। आपके चैनल की मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखेंगे। मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अंतिम सांस तक मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा। धर्म की आड़ पर इनको नीच अधम, अपमानित और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मेरी ये मोर्चेबंदी चलती रहेगी। आज ही मेरा आग्रह है कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर सही मायने में साधु संत हैं तो धैर्य और संयम के साथ इस पर विचार करें, संशोधित करवाएं या इन पंक्तियों को रामचरितमानस से बाहर करें। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक मंडलाध्यक्ष है जिन्होंने बयान दिया है, भाजपा के मंडलाध्यक्ष हैं, बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले के लिए 51,000 रुपए का इनाम। इस तरीके से एटा राजारामपुर का है, कासगंज का। इसी प्रकार से हिंदू जागरण ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते चप्पल से पीटने की धमकी दी। इसी तरीके से आज यह स्वामी प्रसाद मौर्य का वध कर देंगे, इस प्रकार का बयान हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के एक साथी ने दिया। संदीप आचार्य ने धमकी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बम लगा करके ब्लास्ट करके खत्म कर दो। यह इनका असली चरित्र है और यही साधु संत, तथाकथित साधु संत कहते हैं कि मौर्य जी हमको आतंकवादी कहते हैं, अपराधी कहते हैं। अगर आतंकवादियों का व्यवहार करोगे तो स्वाभाविक रूप से आप आतंकवादी हो, अपराधियों का व्यवहार करोगे तो सही मायने में आप अपराधी हो। इस तरीके से मैं कल एक वीडियो का भी हवाला करना चाहता हूं। जाने वाले पहले बीजेपी में रहे और अब समाजवादी पार्टी के महासचिव के तौर पर जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मंच पर आमंत्रित कर और इस मंच को संचालित करेंगे मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत। तौर पर जाने जाते हैं, मैं बात कर रही हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। मैं वही दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ये किसी और चैनल का है। नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ आपको मैटर, प्रसारित नहीं कर सकते हम लोग। आप मत करिए इसको, मैं आप ही बताता हूँ उत्तर। जिसमें रूबिका लियाकत ने कहा कि मौर्य जी आपको घर से यहाँ तक पहुँचने में आप सकुशल रहे, फिर पूछा दो बार दूसरा मौर्य जी आपको ताज होटल की सफर करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन तो नहीं आई। उनका इस प्रकार का पहला प्रश्न पूछना कहीं न कहीं जो कल का घटनाक्रम हुआ
उसमें उनकी संलिप्तता और संलिप्तता दिखाई पड़ती है, जिसकी सूचना मैंने एबीपी के हेड को कल ही रात में भेज दिया है। तो इस तरीके से एक साजिश के तहत मैं देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात न करूं, इसलिए एक वर्ग विशेष के यथास्थितिवादी ताकतें मिलकर के मेरी हत्या की साजिश में लगी हुई हैं। इस हत्या की साजिश में भाजपा सरकार की भी संलिप्तता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संयुक्त रूप से इस साजिश में शामिल हैं। अगर शामिल नहीं होते तो दो बार सुरक्षा हेतु प्रतिवेदन देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई न होना और इस प्रकार की धमकी देने वाले साधु वेश में आतंकियों, अपराधियों के खिलाफ FIR न करना, उनको जेल न भेजना, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करना, इस बात का प्रतीक है कि यह कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी की बदर घुड़की, धमकी और हत्या की साजिश से डरने वाला नहीं हूं। जो मैंने अभियान उठाया है कि धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित नहीं करने दूंगा, ये बात सम्मान दिलाने तक चलती रहेगी जब तक देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलता, तब तक मेरी आवाज उठती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फंडिंग मिल रही है, राजू दास कह रहे हैं कि आपको बाहर से फंडिंग मिल रही है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अभी 51 लाख 21 लाख रुपए सुपारी देने वाले को फंडिंग मिल रही है, या स्वामी प्रसाद मौर्य जिसकी हाथ में हत्या की साजिश हो रही है उसको फंडिंग मिल रही है, इसका अंदाज आप खुद लगा लें। सकल मारपीट हुई किसके साथ ही? दरअसल आप बोल रहे हैं कि उनसे आपको जान का खतरा है, लेकिन राजू दास बोल रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राजू दास के बयान को मैंने इसीलिए आपके सामने पहले दिखा दिया क्योंकि हम जानते थे कुछ लोग मेरी कही बात को विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने पहले उनकी कही बात को दिखाया तब मैं बोला। किसके साथ मारपीट हुई थी सर? इंसिडेंट क्या था जरा बता दीजिए, आप कहां पे थे, किस तरीके से हमला हुआ था? मैं कॉन्क्लेव से निकला, रास्ते में जो कमरा था उसी में लोग बैठे थे। जैसे ही कमरा के सामने से दो पग में आगे बढ़ा तब तक ये एक झुंड में 5-6 साधु निकल आए मेरी ओर लपके। चूंकि मैं आगे 2 कदम निकल गया था, मैं आगे बढ़ता चला गया, अपनी गाड़ी पे गया, बैठा, पीछे कार्यकर्ताओं से उलझे, तो समर्थक उन्होंने ठेला, तो समर्थक ने प्रतिकार में उनको भी ठेला, जो बाद में जानकारी मिली। लेकिन चूंकि मैं आगे निकल गया इसलिए बाद में क्या हुआ उस पूरे घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन साजिश तो थी क्योंकि साधु संतों का कॉन्क्लेव में सोमवार 2 बजे के बाद था, ये सुबह 11 बजे से ही वहां बैठे थे। आखिर क्यों, जब 2 बजे के बाद इनको आना था उसके पहले इनकी वहां पर मौजूदगी कहीं ना कहीं मुझे अपमानित करने या मुझ पर हमला करने की थी, क्योंकि ये लोग सिर काटने के लिए 21 लाख 51 लाख की घोषणा पहले कर चुके हैं। इसलिए सही मायने में अगर इनकी मौजूदगी थी तो वहां पर भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था, केवल लौटते वक्त एक इंस्पेक्टर और एक संभवतः अधिकारी जो भी रहे हों SDM या ADM वहां बैठे दिखाई पड़े रास्ते बरामदे में, इसके सिवा वहां कोई नहीं था। स्वाभाविक रूप से ये बड़े घटनाक्रम की साजिश थी, लेकिन वहां पर मेरे समर्थकों की संख्या ज्यादा थी, ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। तो क्या बोल रहे थे जब हमला किया आपके ऊपर, तो कुछ बोल रहे थे क्या आपको लेकर? वो हमको रोकने के लिए कोशिश किया कि स्वामी साहब मौर्य रुकिए रुकिए,
लेकिन मैं आगे निकल गया था, इसलिए मैंने अपनी स्पीड न रोकी न रुका, मैं आगे बढ़ता चला गया। नारेबाजी कर रहे थे, नारेबाजी उन्होंने किया, जय श्री राम का नारा दिया, तो हमारे समर्थकों ने जय संविधान का नारा दिया। एक तरफ जय श्री राम का नारा चला तो हमारे समर्थकों ने जय संविधान का नारा दिया, और उसके बाद मैं आगे निकल गया, गाड़ी में बैठा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये तो अगर ताज का जो सीसीटीवी फुटेज है निकलवाया जाएगा तो इन साजिशकर्ताओं के करतूते अपने आप पर आने में, लेकिन आपकी तरफ से कोई तहरीर नहीं गई है। हमने सारे घटनाक्रम की जानकारी रात में ही पुलिस कमिश्नर को दे दिया है, लेकिन अब तक कोई एफआईआर नहीं की। मैंने पुलिस कमिश्नर को दे दिया है, अब आगे की कार्यवाही की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर लखनऊ की है। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर मौन स्वीकृति नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से ही लोगों की उपस्थिति वहां थी, जबकि साधु संतों का संवाद 2 बजे के बाद था, तो सुबह से आने का मतलब क्या था। राजू दास कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा और स्वयं प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई के लिए उनसे निवेदन करूंगा। वो कुछ भी कर ले, सीसीटीवी फुटेज ताज का पर्याप्त है उनको दोषी ठहराने के लिए। आपसे माफी जी मांग की है, कहा कि एफआईआर भी करूंगा और स्वयं प्रसाद को माफी मांगनी पड़ेगी। राजू दास कह रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक सवाल और है सर, आपके साथ धर्म सिंह सैनी जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे उन पर एसटीएफ की कार्रवाई हो रही है घूस के एक मामले में, क्योंकि उसमें हमें कोई जानकारी नहीं है और अब तो बीच में भाजपा भी शामिल होने चले गए थे, इसलिए हम उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। दारा सिंह चौहान भी सुनने में जा रहे हैं भाजपा में, ये माननीय दारा सिंह चौहान से जानकारी लीजिए, उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं कहना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, मैं आपके सीसीटीवी आपने मंगाई है।